हमारे स्कूल के स्टाफ में है 40 टीचर। सर 40। हमारे स्कूल के स्टाफ में है 41 टीचर। हमने यहाँ बुलाया है केवल 4 लोगों को, बता सकता कोई? सर आप ही बुलाए तो आप ही जानो, हम लोगों को क्या पता। नहीं पता तो छुप ही बैठो। अरे पगला गए हो का? सामने प्रिंसिपल बैठा है, चिल्ला रहा है, मतलब कोई फर्क ही नहीं है, हंस रहा है। अरे यार तुम हमारे सामने बोला ही ना करो। तुम्हारे मुंह से आती है बदबू। हाँ बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया। हाँ तो कह रहे थे हमने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। तो सुनो, हमने यहाँ तुम लोगों को इसलिए बुलाया है। सर जी। हाँ एक बात पूछनी। बोलो। आपने हमें यहाँ काहे के लिए बुलाया है? बता रहे काहे मरे जा रहे हो, बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही है तुम लोगों के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा अच्छा नहीं, एक शिकायत ये आ रही है कि टीचर क्लास में सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही है मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं बक हैं? बक? अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। बिल्कुल जगते हैं, जगते तो आई हैं, लेकिन जब घंटी बजती है तो जगते हैं कि दूसरी क्लास में जाएंगे, वहाँ फिर सोएंगे। अरे नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है। सही कह रहे, हमारा पीरियड भी इनके बाद लगता है, तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है, ये सो ही रहते हैं। चलो भैया जाओ, घंटी बज गई, दूसरी क्लास में सो जाओ। यहाँ से हटो और ये अंगड़ाते उठे और एक दफा तो या तो तुम हंस रहे हो या बोल रहे हो। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स ये। आईज कहाँ है? ये। टीथ कहाँ है? ये। सब गलत बता रहे हैं। आप इंग्लिश के टीचर हो, आपके इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट्स तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? हंसना। और तुम, पता चला तुम सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हो। नहीं तो सर। नहीं मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब यार हमको समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब? पीछे वाले बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि पीछे वाले बच्चों से इनको कोई मतलब नहीं है, आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। अरे इनकी हाइट कम है ना, तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते, सिर्फ आगे आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अरे यार कितनी हाइट छोटी है, खड़े हो जाओ, देखे जरा कितनी हाइट छोटी है। खड़े तो हैं। नहीं मतलब तुम खड़े हो? नहीं मतलब तुम तब से खड़े हो? वो जब बैठते हैं तो खोपड़ियां मेरी भी लड़ती है। देखो ऐसा है, तुम सीट पे खड़े हो के, कुर्सी पे खड़े हो के, टेबल पे खड़े हो के पढ़ाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ यार। सर कर चुके हैं काम, लेकिन फिर बच्चे हंसते हैं। आप काम कीजिए, आप अपने पैरों के नीचे बाल बनवा लीजिए, इससे क्या है कि आपकी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। क्या बेवकूफत है, मतलब क्या बेवकूफत बता रहे हैं? नहीं क्या बेवकूफत बता रहे हैं? नहीं कोई आदमी अगर मांस बंधवाएगा तो खड़ा हो पाएगा? डिसबैलेंस होके कोपड़िया नहीं तोड़वा लेगा? अजीब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या? कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? होशियार। नहीं कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। क्या कर लेंगे आप? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए। बैठ जाइए वरना मैदान में दोनों को भेज देंगे, वहाँ पे कुश्ती लड़ लेना पे आपे। और फिर आना हमारे पास खोपड़िया फड़वा के। इनको समझाइए ना। उसको क्या समझाएं हम, मेन लड़ाका तो तुम हो। आपको इसलिए बुलाया गया था, कल किसी के गार्डियन आए थे, लंगड़ाते गए हैं वापस। हमें पता चला मारपीट हुई आप दोनों में, मतलब हाथ हो गई। ये हालत चली हमारे स्कूल की।
तुम चारों मक्कारों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बताई दे रहे हैं। अगर हरकतों में सुधार नहीं आया तो चारों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर भीख मांगना सड़क पे। पांक, पांक। ए रबड़ है? रबड़ है? ए किसी के पास रबड़ है? रबड़ का क्या करना है तुमको? बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? पांक। हमारी जिंदगी तो पहले ही बिगाड़ चुकी हो तुम, अब क्या बिगाड़ना है? अरे गलती देख रहे सोच रहे वही बिगाड़ दे। चलो कोई बात नहीं, थूक से बिगाड़। क्या थूक? हाँ थूक से। पागल हो गए क्या? बिल्कुल थूक से बिगाड़ा जाता है क्या? छी, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पागल हो गए बिल्कुल। हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूक से बिगाड़ा। कहा? कब? आपके रजिस्टर में लिखा था प्रिंसिपल का नाम लिखो, तो धोखे में हमने अपना नाम लिख लिया, फिर थूक से बिगाड़ा और आपका लिख दिया। इतना गिरफ्तार मेरे नाम के नीचे मेरे रजिस्टर में। थूक से बिगाड़ने में दिक्कत क्या है? हमेशा से बिगाड़ते आ रहे हो तुम। इतनी दिक्कत? चुप रहो तुम। आप इतना परेशान काहे हो रहे? पूरी दुनिया बिगाड़ती है थूक से। दुनिया बिगाड़ती है थूक से और क्या? लगता है सरजी को थूक से एलर्जी है। चलो अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सरजी, अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सरजी। सरजी आंखें तो खुली हैं। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't